Subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो डरावनी कहानियां जो चाइना से हैं। बस नंबर 375। 1995 की ये घटना चाइना की राजधानी बीजिंग में हुई थी। देर रात एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का जो एक दूसरे को जानते नहीं थे एक बस का इंतजार कर रहे थे और ये बस फ्रैग्रेंट हिल नामक एक जगह पर जाने वाली थी और हमेशा उस स्थानक से फ्रैग्रेंट हिल को जाने वाली बस का नंबर था 275। पर उस दिन जो बस वहां आई उसका नंबर था 375। ये बस बहुत छोटी थी और पुरानी सी दिख रही थी। उस बस के रुकते ही कंडक्टर ने दरवाजा खोलते हुए दोनों से कहा कि ये बस फ्रैग्रेंट हिल को जाएगी। फिर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बस में चढ़ गए। उस बस के अंदर पहले से ही दो मुसाफिर बैठे हुए थे और वो बूढ़ी औरत जाके उनके करीब की सीट पर बैठ गई और वो जवान लड़का भी कुछ ही सीट पीछे जाकर बैठ गया। फिर वो बस अपने सफर पर चल पड़ी। पर कुछ ही देर बाद उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए और चिल्लाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी औरत का यह कहना था कि उस जवान लड़के ने उसकी पर्स चुराई है और ऐसा कहते हुए उसने उस जवान लड़के का हाथ पकड़ लिया। फिर उस बूढ़ी औरत ने कंडक्टर को बस रोकने के लिए कहा और बस रुकते ही वो बूढ़ी औरत उस लड़के को खींचते हुए बस के बाहर लेके गई और वो बस वहां से चली गई और वो बूढ़ी औरत अब शांत हो चुकी थी और वो उस जवान लड़के को बोली, बेटा आज मैंने तुम्हारी जान बचा ली। मैं जिनके करीब में बैठी थी वो इंसान नहीं थे। उन दोनों के भी पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर वो लड़का चौंक गया, पर डरने के बजाय वो जोर जोर से हंसने लग गया और हंसते हंसते ही वो बोला, क्या उनके पैर मेरी तरह थे। फिर जब उस बूढ़ी औरत ने नीचे देखा तो उस लड़के के पैर भी पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। फिर वो लड़का हंसते हंसते ही गायब हो गया और वो बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। सिंगल ब्रेड। एक लड़का देर रात काम करके घर पे लौट रहा था, तब उसे हांगकांग यूनिवर्सिटी के सामने की सड़क पर एक लड़की रोते हुए दिखाई दी और वो लड़की सड़क के बीच खड़ी रहकर जोर जोर से रो रही थी। उस लड़के ने सोचा कि उस लड़की को शायद मदद की जरूरत है, इसीलिए वो उसकी तरफ दौड़ते हुए गया और उसके कंधे पे हाथ रख कर बोला, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? पर रोती हुई उस लड़की ने उस लड़के की तरफ जब मुड़ के देखा तो वो लड़का डर के मारे नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उस लड़की की कोई शक्ल ही नहीं थी। उसकी जगह पर एक खून से लथपथ खोपड़ी थी। ठीक उसी वक्त वो लड़की वहां से गायब हो गई और आज भी हांगकांग यूनिवर्सिटी के सामने की उस सड़क पर कई लोगों को वो लड़की रोती हुई नजर आती है। उस लड़की की भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की चाइना की रहवासी थी। वो बहुत ही सुंदर थी और उसके लंबे बाल थे जिन्हें वो एक चोटी में बांधा करती थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी और एक दिन दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए चाइना से हांगकांग में गैर कानूनी तरीके से भाग आए थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी और वो दोनों एक ट्रेन में चढ़ गए। पर उन दोनों की बदकिस्मती से उसी ट्रेन में पुलिस भी चढ़ गई। एक एक करके पुलिस ट्रेन में मौजूद हर प्रवासी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड देखने लगे और जैसे जैसे पुलिस उन दोनों के पास आ रही थी उस लड़की का डर बढ़ते जा रहा था और अचानक से उस लड़की ने तेजी से दौड़ रही उस ट्रेन की एक खुली खिड़की से छलांग लगा दी। पर बदकिस्मती से उस लड़की के लंबे बालों की वो चोटी खिड़की में कहीं फंस गई और अचानक से लगे इस झटके के कारण उसके चेहरे की सारी त्वचा उसके सिर से अलग हो गई और इसी हालत में वो लड़की पटरी के पास मौजूद हांगकांग यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरने वाली उस सड़क पर चली आई
और जहां वो घंटों तक खून से लथपथ अपना चेहरा पकड़े हुए रोती रही, चिल्लाती रही और आखिरकार उसी सड़क के बीचों बीच उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।